दोस्तों मैच हारने के बाद ऋषभ पंत का फूटा गुस्सा और पूरा जो गुस्सा है वो अंपायर पे निकाला ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की मैच में हुआ बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्सी। ऐसी कंट्रोवर्सी हमें देखने को नहीं मिलता है जहाँ पर एक नो बॉल को लेकर ऋषभ पंत वापस बुला रहे थे मैदान में स्थित दिल्ली खिलाड़ी को, और वहाँ पर इंटरव्यू में मतलब मैच हारने के बाद कैप्टन इंटरव्यू में जाकर जब उन्हें पूछा गया कि आज जो भी हुआ उसके बारे में आपको क्या कहना है, ऋषभ पंत ने डायरेक्ट कहा वो नो बॉल था लेकिन अंपायर नो बॉल नहीं दिए, मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, मैं रूल नहीं चेंज कर सकता, लेकिन अगर अंपायरिंग ठीक ठाक होता तो शायद हम ये मैच जीत सकते। बहुत ही खराब अंपायरिंग हुआ। और ये भी पूछा गया कि असिस्टेंट कोच को आप फील्ड में कैसे अंदर भेज सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने गलत किया है, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी गलत हो रहा था, अंपायर गलत डिसीजन ले रहे थे, सब लोग ही देख रहे थे कि वो नो बॉल था, लेकिन अंपायर सिर्फ वो नो बॉल नहीं दिया, शायद उस नो बॉल से गेम चेंज हो सकता था, और जो पूरा दोष था वो अंपायर के ऊपर डाल दिया ऋषभ पंत ने।